फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यू चैनल फिनोवेशन अपडेट्स साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले नमस्कार आज के फिन प्वाइंट सेशन में आपका स्वागत है और आज का फर्स्ट अपडेट है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनिका ने कोरोना के टीके का डोज तैयार करने के लिए सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट किया है ये टीका ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी ने रेडी किया है और अभी इसका ट्रायल चल रहा है एस्ट्राजेनिका के अनुसार अगर यह टीका सफल रहता है तो गरीब देशों के लिए इसके वन बिलियन डोज रेडी किए जाएंगे और इसके लिए उसने सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ लाइसेंसिंग डील करने पर सहमति जताई है नेक्स्ट अपडेट है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी डिजिटल यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स में अबू धाबी स्थित इन्वेस्टमेंट कंपनी मूबा डाला को 9,093.6 करोड़ रूपीज में 1.85 परसेंट हिस्सेदारी बेचने का अनाउंसमेंट किया है रिलायंस द्वारा बीते कुछ हफ्तों में यह सिक्स डील है जिसके जरिए अब तक टोटल 87,655.35 सेवन करोड़ रूपीज कलेक्ट किए जा चुके हैं इस फंड से ग्रुप को डेट फ्री होने में हेल्प मिलेगी इस डील के लिए इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रूपीज और एंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रूपीज एस्टिमेट की गई है इस इन्वेस्टमेंट के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स ने फेसबुक सिल्वरलेक विस्ता इक्विटी पार्टनर्स जनरल एटलांटिक केकेआर और मोबा जैसी मेजर ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज और इन्वेस्टर्स के जरिए छह हफ्तों से भी कम टाइम में टोटल 87,655.35 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए हैं नेक्स्ट अपडेट है ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार 70% परसेंट एमएसएमईस और 40% परसेंट खुद को बचाने के लिए लार्ज स्केल पर छटनी के बारे में विचार कर रहे हैं ओवरऑल कैटेगरी में सिर्फ 20% परसेंट कंपनीज हैं जो करंट वर्कफोर्स को जारी रखना चाहती हैं एआईएम ने यह रिपोर्ट 46,000 सिक्स के आंसर्स के बेसिस पर रेडी की है नेक्स्ट अपडेट है अमेरिका में पिछले हफ्ते लगभग 19 लाख लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और दूसरे बेनिफिट्स को पाने के लिए अप्लाई किया है मिड मार्च में इसके लिए अप्लाई करने वालों की संख्या में तेज ग्रोथ हुई थी लेकिन इकॉनॉमी खुलने के बाद से इसमें लगातार कमी देखी गई है कोरोना वायरस संकट के चलते दुनिया भर की इकोनॉमीज अफेक्ट हुई हैं अमेरिका भी इससे प्रभावित हुआ है और इसका सीधा असर लोगों के एम्प्लॉयमेंट पर पड़ा है हालांकि इकोनॉमी खुलने के बाद से कंपनीज का कामकाज फिर से शुरू हुआ है और उनके कुछ पुराने एम्प्लॉयज ने काम पर आना शुरू किया है अब अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और दूसरे बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या टू करोड़ रह गई है नेक्स्ट अपडेट है ई कॉमर्स सेक्टर की लीडिंग कंपनी अमेजन टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल में पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती बातचीत कर रही है हालांकि अमेजन कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इसकी फिलहाल कोई कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है एक रिपोर्ट के अनुसार ये इन्वेस्टमेंट टू बिलियन डॉलर्स का हो सकता है इस डील पर भारतीय एयरटेल का कहना है कि वो नॉर्मली सभी डिजिटल और ओटीटी प्लेयर्स के साथ काम करते हैं और अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए उनके प्रोडक्ट्स मटेरियल्स और सर्विसेज लाने के लिए बातचीत करते हैं इसके अलावा उनके पास बताने को और कुछ नहीं है एमेजन इंडिया के अनुसार कंपनी इन बातों पर रिएक्शन नहीं देती कि वो अब या फ्यूचर में क्या करेगी एयरटेल में अमेजन द्वारा हिस्सेदारी लेने की चर्चा ऐसे समय हो रही है जबकि इंडियन टेलीकॉम कंपनीज ग्लोबल इन्वेस्टर्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर के बड़े प्लेयर्स के रडार पर है आपको क्या लगता है अगर अमेजन और एयरटेल के बीच ये डील कंफर्म होती है तो क्या ये एयरटेल के लिए एक टर्निंग प्वाइंट हो सकता है और क्या एयरटेल इस डील के बाद बाउंस बैक कर सकता है अपनी राय हमें कॉमेंट्स बॉक्स में जरूर बताए नेक्स्ट अपडेट है हाल ही में राइट्स इशू के जरिए फंड्स कलेक्ट करने वाली कंपनीज के क्लब में भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी टाटा पावर भी शामिल होने जा रही है आपको बता दें कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एमएनएम फाइनेंशियल फ्यूचर कंज्यूमर और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने मार्केट से राइट्स इश्यू के जरिए फंड्स कलेक्ट किया है इस राइट्स इशू का टारगेट कंपनी के डेट के बोझ को कम करना है और एक्सपेंशन प्लान के लिए कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूती देना है टाटा पावर का प्रपोज राइट इशू काफी बड़ी साइज का होगा क्योंकि कंपनी पर डेट भी काफी बड़ी मात्रा में है राइट्स इशू का साइज 2000 करोड़ रुपीस या इससे ज्यादा भी हो सकता है नेक्स्ट अपडेट है गूगल ने हाल ही में भारतीय ऐप मित्रों और रिमूव चाइना एप को प्ले स्टोर प्लेटफॉर्म से हटा दिया है ये ऐप्स प्ले स्टोर से हटाए जाने के पहले देश में सनसनी बन गए थे और इनके कई मिलियन डाउनलोड्स देखने को मिले थे गूगल ने अपने रीसेंट ब्लॉग पोस्ट में इन दोनों ऐप को सस्पेंड करने पर अपनी सफाई दी है इस ब्लॉग पोस्ट में कहा गया कि इनमें से एक ऐप की गूगल प्ले स्टोर पर वापसी हो सकती है मित्रों का नाम लिए बगैर एंड्रॉयड और गूगल प्ले के वाइस प्रेसिडेंट समीर समत ने कहा कि इस हफ्ते की शुरुआत में हमने एक वीडियो ऐप को कई टेक्निकल पॉलिसीज के वायलेशन की वजह से गूगल प्ले से हटा दिया है हमारे पास गूगल प्ले पर लाए जाने वाले ऐप से रिलेटेड टेक्निकल प्रॉब्लम्स और इश्यूज को सॉल्व करने के लिए एक प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है समीर समत के अनुसार हमने गूगल प्ले से हटाए गए इस वीडियो ऐप के डेवलपर को कुछ गाइडलाइंस दी हैं। एक बार ये मामले सुलझ जाने पर यह वीडियो ऐप फिर से गूगल प्ले पर वापसी कर सकता है नेक्स्ट अपडेट है आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर एनएससी पर अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया जियो में एक और बड़े इन्वेस्टमेंट की खबर से उसके शेयर्स में शुरुआत में तेजी देखने को मिली इस तेजी में कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 10.3 लाख करोड़ रूपीज हो गई मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी कंपनी है कोरोना संकट के बाद मार्च में शेयर प्राइस तेजी से गिरे थे उस समय गिरावट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर गिर कर एट के प्राइस पर आ गया था वहीं अब इसकी कीमत लगभग 1600 हंड्रेड पर पहुंच गई है शेयर अपने लोवेस्ट लेवल से लगभग 85 परसेंट बढ़ चुका है नेक्स्ट अपडेट है नेस्ले इंडिया के अनुसार कोरोना वायरस महामारी का उसके बिजनेस पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है कंपनी चॉकलेट मैगी मिल्क पाउडर जैसे कई प्रोडक्ट्स बनाती है नेस्ले इंडिया के अनुसार वो लॉकडाउन के इफेक्ट का एस्टिमेशन करना जारी रखेगी नेस्ले इंडिया का कहना है कि उनके पास कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है और कंपनी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन को पूरा करने की स्थिति में है आपको बता दें कि नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी है और नेस्ले इंडिया भारत में उसकी सहयोगी कंपनी है नेक्स्ट अपडेट है पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चरल केमिकल्स बनाने वाली कंपनी पी आई इंडस्ट्रीज का फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के फोर्थ क्वार्टर के दौरान नेट प्रॉफिट 12% परसेंट घटकर 110.7 करोड़ रूपीज हो गया है कंपनी के अनुसार एक्सपेंस बढ़ने से ये कमी हुई है और उनके बिजनेस पर कोरोना वायरस महामारी का कोई बड़ा असर नहीं हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के सेम क्वार्टर में उनका नेट प्रॉफिट 125.7 करोड़ रूपीज था कंपनी के अनुसार उस अवधि के दौरान उसकी टोटल इनकम बढ़कर 862 करोड़ रूपीज हो गई जो इससे एक साल पहले एट करोड़ रुपीज थी यहाँ पर हमारा आज का फिन प्वाइंट सेशन समाप्त होता है दोस्तों अब फाइनेंशियल अपडेट्स पाना हो गया है और इंटरेस्टिंग क्योंकि फिनोवेशन आपके लिए लाया है फाइनेंशियल अपडेट्स आपकी अपनी लैंग्वेज में तो अब अगर आप इंग्लिश या पंजाबी लैंग्वेज में लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट्स पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यू ट्यूब चैनल इंग्लिश और फिनोवेश पंजाबी को चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथ ही इन्वेस्टमेंट फाइनेंस और स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.innovations.com जरूर विजिट कीजिए आप अपनी किसी भी क्वेरी के लिए 8287936451 और 8287936452 नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं वीडियो को देखने और हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद